बिग बॉस ओटीटी में हर तरफ घमासान होते हुए दिख रहा है। कभी रणवीर किसी से लड़ने लगते हैं तो कभी अरमान खाने को लेकर चिल्लाते हैं तो कभी कोई गुस्सा हो जाता है। इसी बीच अब फिर एक बार चर्चा में है अरमान और शिवानी कुमारी। अरमान और शिवानी कुमारी शो में आने से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। जब अरमान ने अपनी पहली पत्नी पायल से दूसरी बार शादी की थी तो शिवानी वहां मेहमान बनकर गई थी। इस सब को लेकर लेटेस्ट एपिसोड में शिवानी ने बताया कि वो जब अरमान के घर गई तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। शिवानी ने लड़ाई के दौरान कर दिया एक शॉकिंग दावा। शिवानी ने कहा कि हमेशा से यही सोचते रहे हैं कि हम छोटे गांव से हैं और इन्हें लगता है कि हमारे पास और हमारे घर में कुछ नहीं है। और हम तुमको बताते हैं कि हम जब इनके घर गए थे ना तो भाभी ने ऐसा बोला था कि इसे खाना डाल दो, अगर हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या तुम ऐसा व्यवहार करोगे हमसे। शिवानी यही नहीं रुकी और आगे बोली कि मेरे दिल में भी यह चुभता है कि आज भी आप ये सोचते हैं कि शिवानी मेरे बराबर की नहीं है, लेकिन ये मेरे बराबर कैसे आ गई। मैंने खुद फील किया है कि अरमान भैया ऐसे ही सोचते हैं, बोली शिवानी कुमारी। आपको ये भी बता दें कि जब शिवानी और पौलमी के गिरने के बाद शिवानी को चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गई थी तो सबसे पहले अरमान और उनकी बीवी कृतिका ने ये कहा था कि ये शिवानी हर चीज़ में ड्रामा करती है और ये इस चीज़ में बिल्कुल माहिर है। वहीं इस बात को लेकर शिवानी और अनिल कपूर के बीच भी वीकेंड के बारे में बात हुई थी। अब इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं पौलमी, चंद्रिका, विशाल, मुनीषा, निजी और शिवानी कुमारी। तो आगे देखिए बिग बॉस में होता है क्या। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।